नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। पंचायती टाइम्स ये कोशिश करता है कि कुछ ऐसे चेहरों से आपका तारुफ कराए, आपकी मुलाकात कराए जो कि मिट्टी से निकले हुए हैं और मिट्टी के उन लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, बात करते हैं। गांव की पंचायत से निकला आदमी जो आज संसद की कुर्सी पर बैठता है, ऐसे ही शख्सियत से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। और वो हैं, मोदी जी के साथ काफ़ी वक्त बिता चुके हैं, अमित शाह जी के साथ काफ़ी वक्त बिता चुके हैं, और अपनी जनता जो कि जनता जनार्दन होती है उस जनता के साथ रोज़ाना वक्त बिताते हैं और रोज़ सुबह उनकी परेशानियों को सुनते हैं। चलिए अब नाम भी बता देते हैं आपको। हम बात कर रहे हैं अमरेली के सांसद नारायण भाई काछड़िया जी की, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं और गाँव से निकल कर कैसे संसद तक पहुँचे हैं, ऐसी ही बातचीत, ऐसी ही रोचक बातचीत आज पंचायती टाइम्स आप तक पहुंचाएगा। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, स्वागत आपका। नमस्कार सर। पंचायती टाइम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कोशिश करता है कि उन लोगों को निकाल कर सामने लाए, हालांकि आपको किसी परिचय की वैसे भी जरूरत नहीं है, लेकिन उन लोगों को सामने लाए, लोगों के तक पहुंचाए जिनके जो कि पंचायत जैसी जगह से निकल कर संसद तक पहुंचे हुए हैं, गाँव से निकल कर संसद तक पहुंचे हुए हैं। गांवों को लेकर बहुत सारे सवाल, बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के बीच में होती हैं। कहा जाता है कि गांव से जो पलायन हो रहा है, यानी गांव से हर व्यक्ति चाहता है वो शहर की ओर आए। क्या कुछ आप सोचते हैं इस बारे में कि कैसे इस पलायन को रोका जाए, कैसे गांव की जो मिट्टी की जो जमीन के लोग हैं उनको उसी से जोड़ कर रखा जाए? पहले तो मैं आपके ये पंचायती जिनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और मेरा इंटरव्यू जो आज पूरे देश के दर्शकों को देखने को मिलेगा, तो मैं देश की जनता जनार्दन को भी बहुत बहुत आभारी हूँ और उसको नमस्कार करता हूँ। और आपका क्वेश्चन बहुत ही अजीब सा है कि गांव में जो पलायन हो रहा है, सही में है कि आज पूरा गांव किसी भी स्टेट में जाओ तो शहर की ओर भाग रहा है, क्योंकि गाँव में रोजगारी नहीं है, कोई आय के साधन नहीं है, उसके परिवार बच्चों के पढ़ाई के कोई व्यवस्था नहीं। आज हमारी देश में 70 साल की आज़ादी हुई, और 70 साल की आज़ादी में करीबन 60 साल से ज़्यादा कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा वाली गवर्नमेंट ने काम किया है, वो आप जानती हैं। पिछले 4 साल से, अभी 4 साल तो पूरा नहीं हुआ, पिछले 4 साल से हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की गवर्नमेंट आई। आज पूरा देश, भारत जो पूरा गांव का बना हुआ देश है जी, 6 लाख से ज्यादा गांव है भारत में, और भारत जो है वो किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल। और गांधी जी भी कहते थे अगर सही भारत का दर्शन करना है तो गांव जाकर देखो, गांव जाना जाकर देखो। बिल्कुल। लेकिन आज आप जो बोल रही है कि गांव में पलायन हो रहा है जी, तो हमारी सरकार ने अब की बार, पहले क्या था, पहले की गवर्नमेंट के अंदर देश के नक्शे में गांव था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में गांव नहीं था। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं जी। लेकिन जब नरेंद्र भाई की सरकार आई तो देश के नक्शे में तो गांव था ही, लेकिन वो नरेंद्र भाई की सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में गांव, बजट में भी आया। अटल जी ने बनाया था प्रधानमंत्री सड़क योजना, गांव गांव को जोड़ना। बिल्कुल। इसी तरह अब की बार नरेंद्र भाई ने, अभी सब एक कांग्रेस वाले पहले बोलते थे ये तो ये सरकार जो आई 2014 में ये तो उद्योगपतियों की सरकार है, ये तो धनपतियों की सरकार है, ये तो शहरी लोगों की सरकार है, सब आरोप लगाती रही है, आरोप लगाती थी। आज पूरा देश ये बोल रहा है कि अब की बार का जो बजट है वो किसानों को ही पूरा का पूरा दे दिया। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपसे वही था, जिस तरीके से कछड़िया जी बता रहे हैं कि जो पिछली सरकारें रही हैं, बिना किसी का अगर नाम लेते हुए कहें तो जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कागजों पर गांव के विकास की बात की है,
अभी इस बार का जो बजट आया है, चूंकि कचड़े जी ने शुरुआत की है इसलिए मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ। इस बार का जो बजट आया है, कहा जा रहा है कि किसानों के लिए बजट है, 2022 तक किसानों की आय दुगनी की जाएगी, उनको सब्सिडी अच्छी तरीके से दी जाएगी, यानी जो पूरा विजन है वो 2022 तक रखा गया है। क्या कुछ इस तरीके का काम होगा, मतलब सरकार क्या कुछ योजना बना रही है जिसको कि 2022 तक हम उसे, मतलब उस लक्ष्य को पालेंगे? हम आपको बताते हैं, पहली बार सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए उद्यमी बनाने के लिए प्रयास किया है और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया है। अब की बार 2022 तक हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। आप देखिए, अभी पूरे देश में 275 मिलियन टन खाद्यान्न हुआ है और 300 मिलियन टन फ्रूट का उत्पादन हुआ है। उसका पूरी तरह से MSP प्राइस, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जी। इसीलिए पूरे देश में अभी इस गवर्नमेंट ने 14.37 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। पहले की गवर्नमेंट ने कभी ऐसा नहीं किया। समर्थन मूल्य को लेकर, समर्थन मूल्य को कभी उसने देखा ही नहीं। और दूसरा, कभी किसी भी गवर्नमेंट ने आलू, प्याज, टमाटर, फल सब्जियों की भी बात की गई, सब्जियों में कभी नहीं रखा था, और कठोर उसको भी नहीं रखा था। इस सरकार ने हर एक खेत उत्पादन का, किसान किसी भी फसल या किसी भी फ्रूट का उत्पादन करे उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। ये सरकार ने, नरेंद्र भाई की सरकार ने प्रावधान किया है जी। बजट में उल्लेख भी है कि प्याज बोले फल सब्जियां सब। आपके माध्यम से, इस पंचायती चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश के किसानों को भी बता रहा हूँ कि आज अगर नरेंद्र भाई की गवर्नमेंट जो है, मैं मानता हूँ कि 2022 से पहले ये किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो सोच रहे हैं ना, वो इससे पहले हो जाएगी। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैंने खेती की, कुएं में गया हूँ, कुएं में उतरा हूँ, रात दिन वो जो पानी फसल में पाया है सब काम किया, कोई काम नहीं किया ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसे ही लोगों से पंचायती टाइम्स कोशिश करता है कि आपकी मुलाकात करवाएं, क्योंकि हमारा जो मकसद होता है वो वही है कि गांव से निकलकर देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचने वाले शख्स नारायण भाई काछड़िया जी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से बता रहे हैं कि किसानी भी की है, कुएं में उतरकर खेतों तक पानी भी पहुंचाया है, ऐसे ही लोगों से हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक पहुंचाएं। आइए इस बातचीत के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और जरा ये जानते हैं कि सभी सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एक गाँव गोद लेना है और जिसकी देखरेख, जिसकी रक्षा, सुरक्षा सब उस सांसद को करनी होगी। आइए जरा कचड़िया जी से जाने कि उनके गांव का क्या हालचाल। सर, क्या कैसा है आपका गोद लिया हुआ गांव? मेरी डिस्ट्रिक्ट अमरेली, उसमें लाठी तहसील है, लाठी तहसील का अकाला गांव है, अकाला। जब मैंने एक गोद लिया सांसद आदर्श गांव के रूप में जी, तभी वहां बहुत मुश्किल थी, रोड, रास्ता, पीने का पानी, डैम, वाईफाई, ये बैंक की व्यवस्था, ये जो शमशान की व्यवस्था नहीं थी, बस स्टॉप की व्यवस्था नहीं थी, स्कूल थी पुरानी थी, पशु आरोग्य हेल्थ सेंटर नहीं था, ये सब लगभग 28 चीज़ें नहीं थी। ये सब मैंने पिछले ढाई साल में, एक साल से पहले हो गया पूरा। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपको देखना है तो आप आ जाइए ज़रूर, आपकी पूरी टीम लेकर, और मैं ये आपके मीडिया, आपके चैनल के सामने ही बोल रहा हूँ कि आज गुजरात में जो 26 सांसद हैं, इसमें फर्स्ट नंबर का मेरा गांव है। देखिए, यही जानने के लिए हमें कई सांसदों के बीच में जाना भी है कि आदर्श गांव जो प्रधानमंत्री के कहने पर सबने गोद लिया था, क्या वो आदर्श स्थिति में है? लेकिन काछड़िया भाई, जिस तरीके से
अपनी मजबूत बातें रख रहे हैं, ऐसे पूरी तरह से लग रहा है कि जरूर ही वो गांव पूरी तरह से विकसित और डेवलप हुआ होगा। ये जरा और जानते हैं कि इस गांव की जो जरूरतें थी, जो कि जैसा कछड़िया जी कह रहे हैं कि पिछले 2.5-3 साल में वो काम हुआ है वहाँ पे, क्या वहाँ ग्रामीण जो है, उस गाँव के जो लोग हैं वो संतुष्ट हैं? वो मैं बोलूँ ऐसा सही नहीं है, संतुष्ट है कि नहीं है वो तो आपको वहाँ आकर पूछना पड़ेगा। जी बराबर है ना? जी जी बिल्कुल। क्योंकि अभी 12.5 से 13 करोड़ रुपया का खर्च किया मैंने वहाँ, इनमें से गवर्नमेंट का पैसा ओनली 2.5 करोड़ है, सरकार का मेरा ग्रांट जो है, मैं एमपी ग्रांट सभी में से, लेकिन 9 से 10 करोड़ रुपया हमने लोक भागीदारी का काम किया। अच्छा। जो सूरत वहाँ के बहुत से बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन है, व्यापारी है, डायमंड किंग है, सब उससे हमने सूरत जाके 2-3 बार मीटिंग किया और ये कि आपके गांव में ये करना है तो उसको प्रोत्साहित किया। तो सभी ने बोला सही है। तो आज इस गांव में 49 चेक डैम है पानी रोकने के लिए। ये गांव में पहले कुछ होता नहीं था, वो पूरा फ्लोराइड वाला एरिया था। अभी वहाँ इतना पानी भरा हुआ है कि पानी 15-20 फुट पे ऊपर आ गया। अभी ये वहाँ की खेती बाड़ी, अगल बगल के गांव के हिसाब से जो पानी रिचार्ज हो रहा है, तो कम से कम 12 से 15 गांव में फ़ायदा हो रहा है। तो अभी इस सभी गांवों को मिलाकर 50-60 करोड़ से ज़्यादा लोगों की आमदनी, कृषि का आवक बढ़ गया पानी के हिसाब से। जी, ऐसे ही शायद सपने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों को ये कहा था कि एक एक गांव गोद लीजिए और उसे आदर्श बनाइए। और नारायणभाई काछड़िया जिस तरीके से बता रहे हैं, वाकई उनके गांव की आदर्श स्थिति तो होगी ही, लेकिन चूंकि वो इतनी मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वाकई में जाकर देखने की जरूरत है कि ये गाँव इस तरीके का आदर्श कैसे बना हुआ है। चलिए बातचीत का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। आप अब गांव और किसान की अगर बात कर रहे हैं तो आप बड़े जन लोकप्रिय नेता हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की परेशानियां सुनते हैं। जब सुबह उठते हैं और लोग सामने हों कि आज मेरी ये परेशानी, कैसे मुलाकात होती है उनसे? देखिए, मेरे अभी मेरे मोबाइल में 14,000 नंबर है, 14,000 से ज़्यादा है पूरे क्षेत्र में। आज मेरे क्षेत्र का 900 से ज़्यादा गाँव है, 926 गांव है और 200-250 किलोमीटर का पूरा एरिया है। अगर किसी भी गांव में कोई भी दिक्कत आती है तो मैं खुद वहां डायरेक्ट फ़ोन करता हूं। दूसरा कोई भी आदमी कभी भी टाइम, मेरा फ़ोन 24 आवर चालू रहता है, रात को भी, और रात को भी अगर कोई फ़ोन करे तो मेरा फ़ोन दूसरी रिंग पे ही उठा लेता हूँ वो। इसीलिए शायद आप इतने प्रचलित भी हैं लोगों के बीच। मैं खुद नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे क्षेत्र में मेरी जो छाप है, जो इंसान के हर आदमी की एक छाप होती है, तो इनमें से 108 बोला जाता है मेरे को। हमारे वहाँ गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने 108 चालू किया है। अगर कहीं भी रोड पे अकस्मात हो जाए और 108 को आप फोन लगाओ तो तुरंत 10 मिनट में आपको उसकी हेल्प मिलती है। तो उसी तरह मेरे क्षेत्र में हमारी साफ 108 है कि कोई भी आदमी मेरे को फोन लगाए तो उसको तुरंत उसका जवाब मिलता है। देखिए, ये कहना इसलिए भी जरूरी यहाँ हो जाता है कि काछड़िया जी अपने इलाके में इतने लोकप्रिय हैं कि 108 नंबर से जाने जाते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जब आप परेशानी में हो, किसी दुर्घटना से ग्रस्त हो गए हो, किसी चिंता में हो और 108 नंबर लगाएं तो तुरंत आपका समाधान किया जाएगा, ऐसी कोशिश सरकार की होती है। और काछड़िया जी भी अपने इलाके में उसी नाम से जाने जाते हैं कि 108 नंबर पर अगर देखें तो तुरंत जो है आपके पास आपकी सहायता, या कह लीजिए कि सहायता पहुंच जाएगी। ऐसे ही जन लोकप्रिय नेता हमारे साथ काछड़िया जी बैठे हुए हैं जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। बातचीत का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। अगली बात जो है वो मोदी जी से जुड़ी हुई है। आप बहुत नज़दीक रहे हैं, साथ में बहुत काम किया है, अमित शाह जी के साथ आपका बहुत काम रहा है। हमारे खेमे में चर्चा होती है कि आज मोदी जी ने क्लास लगाई सांसदों की। क्या होता है इस क्लास में जो इसको क्लास कहा जाता है, मतलब ऐसा क्या वो बताते बोलते हैं? मोदी जी हरेक सांसदों की, गुजरात में तो उसने
बहुत टाइम बिताया है, तो हर एक क्षेत्र से, हर एक लोगों से, हर एक सांसदों से बहुत ही नज़दीक है, मेरे अकेले में सभी सांसदों से। और गुजरात का कोई भी ऐसा तहसील के कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वहाँ मोदी जी 100, 150, 200 लोगों को नाम पर नाम से जानते हैं। लेकिन पूरे देश के सभी सांसदों को ये पहली बार ऐसा हुआ है, ये जो सेंटर में कि मोदी जी हर साल हर एक स्टेट के एमपीओ को बुलाते हैं अपने घर पे चाय पानी नाश्ते के लिए और कामकाज का ब्यौरा लेते हैं। कामकाज के आपने अपने क्षेत्र के बारे में पूछते हैं जी, अपने क्षेत्र में कौन सा अभी काम बाकी है, लोगों की क्या डिमांड है, आप क्या करते हैं, आप सुबह से कितने बजे काम करना शुरू करते हैं, शाम को कब तक काम करते हैं जी, ये पूरा का पूरा टेंशन ये खुद करते हैं, सांसदों से ज़्यादा भी। वो हमारी हर जो लोकसभा जब चालू होती है तो हर मंगलवार को हमारी पार्टी मीटिंग होती है, उसी में भी वो सभी सांसदों को बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम कैसे किया जाए, कैसे लोगों को लोगों कैसे के लिए उपयोग में रहे, बिल्कुल, और लोगों को हमको यहाँ क्यों भेजा है, ये सब हमें बहुत अच्छी तरह बताते हैं। और काम करने में हमें तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी की टीम में काम करने को हमें एक बार ये मौका मिल गया तो लोग और हमारे सब जो है याद करेंगे कि भाई हम भी मोदी की टीम में थे। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, आप लोगों को कहते हैं कि अपने क्षेत्र में काम करिए, लोगों की ज़रूरत बनिए, उनकी अगर परेशानी में है तो वो काम करिए, कहा जाता है कि बहुत ही तानाशाह रवैया होता है मोदी जी का सांसदों को लेकर, नहीं ये होना ही चाहिए, नहीं ये करना ही चाहिए, क्या इस तरीके का व्यवहार आपने महसूस किया? नहीं नहीं नहीं, ये 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 क्या अर्थ का अनर्थ हो रहा है, ये विपक्ष, ये विपक्ष कहते हो रहा है, विपक्ष कहते हैं तानाशाह, नहीं ये ये विपक्ष का, तो ये विपक्ष तो कुछ भी बोलते हैं, ये क्या है कि जो अपने घर में अगर परिवार है तो परिवार में कोई हेड है, कोई बड़ा सदस्य बड़ा है तो ये सभी को बराबर रखने के, घर बराबर चलाने के लिए सबको बोलना तो पड़ता है ना जी। तो मोदी जी तो हमारे सबका नेता है और मोदी जी को पूरा अधिकार है हमसे बोलने का, और अगर डांट भी दिया तो क्या, डांट भी ले तो हमें तो अच्छा लगेगा क्योंकि ये हमें ये सुधरने का मौका मिल जाएगा। बिल्कुल, देखिए अनुभव इसे ही कहते हैं, अगर विपक्ष ये कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी तानाशाह है तो काछड़िया जी ने उसको कितने ही खूबसूरत अंदाज में बताया कि घर का अगर कोई बड़ा सदस्य है तो उसको हक है कि वो डांट भी सकता है, वो सही रास्ते पर अपने बच्चों को ले जाने के लिए या परिवार के सदस्यों को ले जाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हो सकता है, ऐसा काछड़िया जी कहना है। बड़ी सुंदर तरीके से विपक्ष के इस पूरे बयान को उन्होंने मोड़ दिया है। चलिए, विपक्ष की बात हो रही है काछड़िया जी, तो अभी हाल में राहुल गांधी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री का अगर कोई विकल्प है, प्रधानमंत्री अगर कोई बन सकता है या पीएम नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प है तो वो मैं हूँ, यानी राहुल गांधी, आप क्या कहेंगे इस पे? क्या राहुल गांधी ने ऐसा बयान किया कि हाँ, अगर नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प है तो मैं खुद हूँ? जी जी, वो अपने आप बोला। हाँ जी, अपने आप बोला। देखिए प्रतीक्षा जी, ये देश एक 130 करोड़ जनाबादी वाला देश है, लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश है। इनमें से अगर मैं ज्यादा तो नहीं बोलता, राहुल गांधी के साथ 20% भी लोग बोले ना, जनता जनार्दन पूरे देश की जी, तो भी राहुल गांधी को उसका विकल्प मैं हूं ऐसा बोलने का अधिकार है, लेकिन मैं नहीं मानता। यानी आप कह रहे हैं कि जनता बोले तो, ये अगर मेरे मैं ऐसा बोल दूं कि मैं उसका विकल्प मैं ही हूं तो ये ठीक नहीं है। जनता जनार्दन की राय लेनी चाहिए, और उस जो जनता जनार्दन बताएगी कि नरेंद्र मोदी जी का विकल्प अभी इस देश में राहुल गांधी है तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी खुद नहीं बोल सकता। देखिए, राहुल गांधी के लिए जबरदस्त ये संदेश है और एक अनुभव के एक वरिष्ठ का संदेश है कि आप जब जब जनता के बीच में आप होते हैं तो जनता ये बताएगी कि आप बेहतर हैं कि नहीं, आप अपने मुंह से ये बात नहीं कह सकते कि मैं बेहतर हूं या बेहतर नहीं हूं। विपक्ष की बात हो रही है काछड़िया जी, तो एक सवाल इन दिनों सबके जहन में भी है और विपक्ष लगातार सवाल उठाती रही है कि संघ की भूमिका सरकार में बहुत ज्यादा है,
संघ को लेकर कहा जाता है कि वो समाज बांटने का काम करती है, संघ को लेकर कहा जाता है कि वो जाति की बात करती है, आप क्या सोचते हैं संघ क्या करती है? देखिए आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी बहुत ही पुराना है। मैं इतना जरूर कहूंगा देशवासियों को और देश के लोगों को, आप भी जानती होगी आरएसएस का जो काम है समाज बांटने का नहीं है, समाज जोड़ने का है। गरीब से गरीब, ये दीनदयाल उपाध्याय जी हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, ये संघ के विचारों के आदमी थे और इसी विचार पे हमारी पार्टी चल रही है, ये पूरा पूरा देश जानता है। और ये जो समाज के लास्ट आदमी जो है, पिछली भरोल का है, पिछली लाइन में जो बैठा है, उसको उठाने का काम जो अगर कोई करता है तो ये आरएसएस करता है और इस विचारधारा पे हम चलते हैं। चाहे मोदी जी हो, चाहे मोदी जी के टीम में हम सब हो, वो सब हम यही विचारधारा पे हमारी पार्टी चल रही है और यही चिस्त पे चल रही है। आज अगर कोई ओलावृष्टि हो, अतिवृष्टि हो, आगजननी हो, भूकंप हो, कोई भी ऐसा काम हो, तो अगर सबसे पहले जो कोई पहुंच जाता है तो शाखा के लोग, संघ के लोग, हाँ, तो शाखा का सब लोग, संघ के लोग पहुंच जाते हैं अपनी छोटी चड्डी और बनियान पहनते। बिल्कुल, क्योंकि उसकी पहचान ही हमारे आरएसएस की पहचान है। और वहाँ पे जो रक्षा सुरक्षा वाले हैं, एनडीआरएफ की टीम बाद में पहुंचती है किसी भी दुर्घटना के। देखिए कुछ चीज़ें कई बार ऐसी होती है कि बड़े अनुभवी लोग होते हैं तो उनके मुंह से सामने आती है। हम आपने कई बार देखा होगा कि कई सारी दुर्घटनाएं होती हैं, कई सारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जहां पर लोग, सुरक्षा के लोग या सरकार के लोग बाद में पहुंचते हैं, उससे पहले वहां कुछ लोग मौजूद होते हैं जो कि लोगों को रेस्क्यू करने का काम करते हैं, जो कि लोगों को बचाने का काम करते हैं। बड़ी अच्छी बात कछड़िया जी ने कही है कि वाकई में वो शाखा के लोग होते हैं, वाकई में उस इलाके की शाखा से, संघ से जो जुड़े लोग होते हैं, उनके इलाके में जो भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं वो सबसे पहले वहां पहुंचते हैं। विपक्ष का आरोप लगातार रहा है कि संघ का बहुत हस्तक्षेप होता है सरकार में, क्या आप सरकार के भीतर हैं, आपको ऐसा लगता है? देखिए मैं स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपने कभी इस संघ का हस्तक्षेप होता है ऐसा कभी देखा? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके सामने। नहीं, हम सरकार के बाहर वाले हैं ना, हम मैं तो सरकार में हूँ, लेकिन ये देखना तो चाहिए ना। आज सरकार के अंदर है या बाहर के लोगों को भी ऐसा लगना चाहिए कि इसमें संघ का हस्तक्षेप है, वो तो पता चल जाता है ना। हमारा तो काम मतलब ये है ना कि विपक्ष आप पर आरोप लगा रही है। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर आप जो, मैं तो बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी हूँ, अगर मैं बोलूंगा कि संघ का कोई हस्तक्षेप इसमें है ही नहीं, तो वो तो बोलेंगे कि वो तो सरकार के सपोर्ट में बोल रहे, या तो ये संघ का आदमी इसलिए वो नहीं वो ऐसा बोल रहे। लोग जो बोलेंगे वही सच है। मैं तो बोल रहा हूँ कि संघ का कभी हस्तक्षेप कभी नहीं रहा। मेरा ये 26 साल का करियर है बीजेपी में, 27वीं साल चल रहा है, 27 साल मेरा इसी पार्टी में हुआ है, लेकिन मुझे आज तक संघ का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्वालिफिकेशन पे जो भी पद मिलता है वो ऐसे ही मिल जाता है। परिवारवाद, जातिवाद, ज्ञातिवाद यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ तो आप अभी देखिए, ये रामनाथ कोविंद जी अभी राष्ट्रपति बने, किसी को पता था जी? आज हमारे अमित, देखिए सोनिया जी के बाद अगर कोई कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो सब बोलते थे कि राहुल गांधी बनेंगे। अभी आप, मैं आपसे पूछता हूँ, अमित भाई के बाद कौन हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे बीजेपी, आप बताइए। बिल्कुल, आप बता दिए, मेरे को भी नहीं मालूम है। हाँ, यहाँ तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अमित भाई के बाद अगर कोई भी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो किसी को नहीं पता है। कांग्रेस में पता चल जाता है कि भाई इंदिरा जी के बाद राहुल गांधी बने, राजू जी के बाद वो सोनिया जी के बाद ये राहुल गांधी के बाद ये जो क्या है उसकी बहन का नाम, मेरे को प्रियंका गांधी। ये सब ये परिवारवाद चलता है, यहाँ परिवारवाद नहीं चलता, यहाँ आदमी का, कार्यकर्ता का क्वालिफिकेशन देखा जाता है।
अच्छा चलिए, मैं आपने बीजेपी की बात की तो मैं बीजेपी के ही सवाल से आगे बढ़ती हूँ। अभी गुजरात का इलेक्शन हाल में खत्म हुआ, तीन ऐसे नाम निकल कर सामने आए थे जिनको देखकर कहा जा रहा था कि बीजेपी को बहुत जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। हार्दिक पटेल, दूसरा नाम मेवाणी और कल्पेश ठाकुर। तीन ये नाम थे जिन्होंने जिनके लिए कहा जा रहा था कि गुजरात बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा अगर ये तीनों मजबूत हो गए। आज इन तीनों को लेकर गुजरात क्या सोचती है, या आपका अमरेली जो लोकसभा क्षेत्र है बहुत बड़ा, बहुत सारी विधानसभाएं आती हैं, बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, वहां आपको देखकर क्या लगता है, क्या ये तीन चेहरे अब गुजरात की राजनीति में कभी दिखेंगे? देखिए, ये तीनों लोग किसी भी समाज के हो, जो हार्दिक पटेल हो पाटीदार समाज के, अल्पेश ठाकुर ओबीसी समाज के, जिग्नेश मेवाणी जो दलित समाज जी, ये तीनों समाज, ये तीनों समाज को बंटवारे की तरह वॉर की ले जा रहे हैं और देश को बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये देश सांप्रदायिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जातिवाद, नातिवाद, कौमवाद कोई भी नहीं चलता। यहाँ सब संभावना से चलते हैं, सब समाज साथ, हमारा मोदी जी का जो है कि सबका साथ सबका विकास, वही हिसाब से चलते हैं। लेकिन आज एक कांग्रेस गुजरात में 1990 से वो सत्ता से बाहर थी, 1990 से 27 साल से, तो इसने ये मोहरा बनाया तीनों को सत्ता हासिल करने के लिए, फिर भी कुछ हाथ में नहीं लगा। आज भी ये पूरे, ये जिग्नेश मेवाणी कुछ टाइम दिन पहले यहाँ दिल्ली में भी आया था, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के समय पूरा वक्त उन्होंने मायावती जी के साथ बिताया, मायावती के साथ बिताया, मेरे सब पता है। और ये हार्दिक पटेल, ये जब यहाँ दिल्ली का इलेक्शन था केजरीवाल का, तभी केजरीवाल का गाड़ी चलाता था। हम गुजरात को और हमको सबको पता था कि पूरा का पूरा कांग्रेस माइंड से चल रहा है, और ये सब इलेक्शन के बाद, गुजरात के इलेक्शन के बाद सबको पता पूरा चल गया क्या भाई, ये सब कांग्रेस का ही सच्चाई, उसमें सच्चाई बाहर निकल गई। तो आज गुजरात में उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, और पाटीदार आंदोलन का तो कहीं भी अस्तित्व नहीं है। ये सब जो काम कर रहे थे उसके पीछे कांग्रेस ही थी और कुछ नहीं था। हार्दिक पटेल को लेकर कहा जा रहा था कि उनकी जो चुनावी जमीन है वो बहुत मजबूत हो जाएगी गुजरात इलेक्शन में, पूरा पाटीदार समाज उनके साथ है, वो भी हर जगह कह रहे थे। कई बार उन्होंने बड़ा अजीब स्टेटमेंट मीडिया के सामने दिया कि अगर इतनी सीटें नहीं आई तो बाल मुड़वा दूंगा, मूछे बुड़वा दूंगा, बहुत मजबूत तरीके से अपने आप को पेश कर रहे थे। आज हार्दिक पटेल की क्या स्थिति है गुजरात में? देखिए, कोई भी आदमी हो इस तरफ से, जब से ज्यादा तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसको मीडिया ने ज्यादा बड़ा बना दिया। कहीं गुजरात सरकार की तरफ से भी चूक हुई, हार्दिक पटेल इतना बड़ा चेहरा बन गया? गुजरात सरकार की तरफ से कुछ चूक नहीं हुई, लेकिन क्या है कि ये क्या है कि सुबह में कुछ बोलने का तोलने का कोई उसका वजूद ही नहीं था जी। ये सुबह में कुछ बोलता था, दोपहर में कुछ भी बोलता था, रात को कुछ भी बोल देता था। ये सब उसका क्या, ये नेतागिरी का कोई व्यवस्था है क्या, ऐसा बोलना चाहिए इसको? ये और ये गवर्नमेंट का कोई उसमें था ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने हल्का लिया जरूर, क्योंकि ये एक तो लड़का है भाई, उसको इसके जो बोलते हैं ना कि उसको इतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, लेकिन उसका उसने गैर फायदा उठाया, और कांग्रेस पूरी की पूरी तरह उसके पीछे थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट अगर ये 2017 में ना बने, तो 19 में नरेंद्र मोदी को आसानी से उसको बदनाम किया जाए, उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट को बदनाम किया जाए कि मोदी के घर में मोदी का ही कुछ नहीं है, ऐसा ये पूरा देश में सब विपक्ष दिखाने के लिए कांग्रेस यही सोच में ये पूरा ताकत लगा रही थी, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। ये छठी बार ये गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट बना, पूरे देश में पहली बार गुजरात में छठी बार ये इलेक्शन एक ही पार्टी की बनी है, बीजेपी की। यानी अब ये तीनों जो किसी दल विशेष या किसी खास समूह से प्रतिनिधित्व करते हुए आ रहे थे और कह रहे थे कि हम पटेलों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम दलितों की बात कर रहे हैं, आज इनका गुजरात में कोई अस्तित्व है नहीं? कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। 2019 की बात आप करें कछड़िया जी, 2019 की अगर बात करें तो ये तो सब जानते हैं कि 2014 जैसी लोकप्रियता बीजेपी की नहीं है 2019 में,
क्या लग रहा है, किस तरीके की स्ट्रैटेजी होगी 2019, कौन चेहरा होगा, पीएम मोदी ही होंगे या कोई और विकल्प, क्या क्या कुछ बीजेपी के भीतर चल रहा है? देखिए 2019 में पहले जैसी लोकप्रियता है नहीं है ये तो अभी आप नहीं कह सकते कि मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारी 2019 का चेहरा ही मोदी ही रहेगा और जो भी हम करेंगे, जो भी हमारा सुना होगा, कुछ भी होगा, कि हम मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लड़ेंगे और होगा, ये तो हमारी राष्ट्रीय पार्टी का हमारा जो तय करेंगे और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है वही तय करेंगे। और दूसरा कि 2019 और 2014 में डिफरेंस आप बोल रही है, ये अभी हमारे पास 1.5 साल है, लेकिन हम आपको ज़रूर बताएंगे कि 2014 से भी अच्छा टाइम हम लाएंगे। चलिए, बहुत शुभकामनाएं बीजेपी को भी और आपको भी। नारायण भाई काछड़िया एक ऐसा नाम जो कि गांवों से निकल कर आए हैं और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अपने लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रचलित रहे हैं, और ऐसे ही कुछ और चेहरों से हम आगे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। कोशिश हमारी यही होगी कि गांव की पंचायत से निकला आदमी जो देश की पंचायत तक पहुंचा है, वैसे ही चेहरे आपके हम सामने लाएं। फिलहाल बहुत धन्यवाद, नमस्कार।